नमस्कार, मैं हूं कविता। एमजी रोड पर खुलने वाले दिल्ली एनसीआर के पहले नाइट क्लब हॉटस्पॉट पर शुरू होने से पहले ही ग्रहण लग गया है। मॉल माइल नाम से खुलने वाले इस नाइट लाइफ पब बार में इलीगल एक्टिविटीज की खबरों के बाद इस पर खतरा मंडराने लगा है। यहां से 25 में से 12 बार संचालकों को एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपना स्टॉक क्लियर करने का नोटिस दिया है। पुलिस ने सभी बार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी वापस ले ली है। दरअसल स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद जुलाई के शुरुआती महीने में मॉल माइल के कई क्लबों में छापेमारी की गई थी, जिसमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तार लोगों में सहारा और एमजीएफ से तो 2 नाइट क्लब के मालिक भी शामिल थे। ऐसा आरोप है कि फैंटम और एग्राइट क्लबों पर मारे गए छापों में गिरफ्तार सभी लोग सेक्स ट्रेंड या देह व्यापार में शामिल थे। वहीं 19 जुलाई को एमडी रिजेंट ऑर्किड के नाइट क्लब आयन पर भी रेड मारी गई है, जिसमें से क्लब के 2 डांसर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी देह व्यापार के आरोप में हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।